नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एनपी सैलॉन बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके एम्प्लॉय का इंसेंटिव एंड लेजर की डिटेल को किस तरह से आप देखेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय का किसी मंथ में 2000 रुपीज इंसेंटिव कैलकुलेट हुआ है उनकी उनके द्वारा की गई सर्विसेज पे, और आप उन्हें उसी मंथ में उनको इंसेंटिव अमाउंट कुछ पे कर रहे हैं या उनको कुछ सैलरी का अमाउंट पे कर रहे हैं जो उनकी सैलरी कैलकुलेट हुई है, तो उन दोनों लेजर को आप किस तरह से पीसीएस एनपी सैलॉन बिलिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में वो सीखते हैं। सबसे पहले हम किसी एक पर्सन का लेजर देखते हैं, ठीक है, इंसेंटिव लेजर या सैलरी लेजर। एम्प्लॉय रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स के अंदर, और यहाँ पर हम देखेंगे एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड सैलरी लेजर। एम्प्लॉय इंसेंटिव एंड सैलरी लेजर पे क्लिक करेंगे और जिस भी एम्प्लॉय का आपने इंसेंटिव या सैलरी लेजर देखना है उस एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर मंथ का देखना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे एक साथ, तो आप उस फाइनेंशियल ईयर का देखने के लिए कोई मंथ सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद लेजर टाइप क्या है, इंसेंटिव या सैलरी। हम इंसेंटिव को पहले देखते हैं, तो इंसेंटिव लेजर में आपको यहाँ दिखेगा एम्प्लॉय इंसेंटिव लेजर फिस्कल ईयर 2022-2023 के लिए अनुज कुमार जी, यानी जो एम्प्लॉय है, और उनकी आईडी आ जाएगी। उसके बाद जो भी उनका आपने एड्रेस अगर डाल रखा होगा तो वो एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल मंथ में उनको हमें एज अ इंसेंटिव 596.01 रुपीज पे करने थे, हमने उनको पेड किया कुछ नहीं। उसके बाद मई मंथ में कोई भी इंसेंटिव कैलकुलेट नहीं हुआ, जून में कोई भी इंसेंटिव कैलकुलेट नहीं हुआ, उसके बाद जुलाई में 749.41 का इंसेंटिव कैलकुलेट हुआ लेकिन हमने उनको कुछ पे नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आप हर मंथ का ये देख सकेंगे कि कितना कितना इंसेंटिव कैलकुलेट हुआ है और हमने कितना कितना उनको पे किया हुआ है। लास्ट में आपको दिखेगा टोटल कि टू पे कितना पे करना है और पेड कितना पेड कर चुके हैं, ठीक है। तो पेड अमाउंट 0 है, यानी कि उनको अभी हमको 2847.15 पूरा पूरा अमाउंट पे करना है, ठीक। अब हमें किसी मंथ का इंसेंटिव अगर हम दे रहे हैं तो उसको किस तरह से आप उसकी एंट्री करेंगे जो पेड कर रहे हैं उनको, ठीक है। जैसे हम जुलाई मंथ का यहाँ पे पिक कर लेते हैं कि जुलाई मंथ में हमको 749.41 रुपीज देने हैं, तो हम उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे। आप जाएंगे रिपोर्ट्स में, सॉरी, आप जाएंगे एम्प्लॉय अटेंडेंस सैलरी एडवांस इंसेंटिव में, क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एडवांस दे रहे हैं या सैलरी दे रहे हैं या एम्प्लॉय इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे उस एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर ली और किस मंथ का इंसेंटिव हम पे कर रहे हैं, हमने कहा जुलाई मंथ का कर रहे हैं, तो हमने 31st ऑफ जुलाई 2022 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं इंसेंटिव का वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, मान लीजिए 749.41, ठीक है, ये अमाउंट था, हमने इसको टाइप करके एम्प्लॉय इंसेंटिव अमाउंट सेव्ड सक्सेसफुली। अब हम अगर दोबारा उसी एम्प्लॉय का, जिस एम्प्लॉय का हमने यहाँ पर इंसेंटिव एंटर किया है, दोबारा हम लेजर देखते हैं इंसेंटिव लेजर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आइए आप देखेंगे 749.41 रुपीज हमको पे करना था उनको इंसेंटिव, और हमने पेड भी 749.41 कर दिया, ठीक है। तो उनका जो टोटल टू पे आया, यानी अब जो हमें उनको पे करना है 2097.74 रुपीज, यानी कि जो उनका टू पे है वो ये अमाउंट है, पेड अमाउंट जो हम कर चुके हैं, उसका जो बैलेंस अमाउंट है जो हमको अभी उनको पेड और करना है, तो 2097.74 रुपीज उनको पे करना है। तो इस तरह से तो आप एम्प्लॉय के इंसेंटिव के लेजर को मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी लेजर को मेंटेन करना है तो एम्प्लॉय सैलरी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगस्त मंथ में उनकी सैलरी 257.31 रुपीज है, ठीक है, जहां हमने अटेंडेंस लगाई अगस्त मंथ में, तो उनका 257.31 रुपीज था जो हमको उन्हें पे करना था, ठीक है। हमने उनको ना कोई एडवांस अमाउंट पेड किया अगस्त के महीने में, ना उनको सैलरी का अमाउंट पेड किया, तो हम यहाँ पे अब उनकी सैलरी को पेड करते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, सेम उसी फॉर्म पे जाना है, यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद अगस्त मंथ की सैलरी हम पेड कर रहे हैं, तो 31 अगस्त
2022 यानी लास्ट डेट में हम उनको सैलरी को उनको दे रहे हैं, तो उनका जो सैलरी का अमाउंट है वो 257.31 था, तो हम यहाँ पे 257.31 लिखेंगे एंड सेव कर देंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा जाएंगे, हम रेजर को फिर दोबारा चेक करते हैं, हमने एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करी और सैलरी रेजर पे क्लिक किया टाइप। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे अगस्त के महीने में 257.31 रुपीस जो उन्हें हमें पे करना था एज अ सैलरी, और हमने उनको पेड भी किया 257.31, तो टू पे अमाउंट अब जीरो हो गया, यानी कि अब उनको कोई भी अमाउंट पे हमने नहीं करना है। इस तरह से आप PCSNP सैलॉन बिलिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी एम्प्लॉय के अटेंडेंस लगाने के बाद उनकी सैलरी को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनके जो भी उनको सैलरी आप जिस मंथ की पे कर रहे हैं उस मंथ की सैलरी या एडवांस जो भी आप उनको दे रहे हैं उनको आप उसकी आप एंट्री कर सकते हैं, और जो भी इंसेंटिव उनका कैलकुलेट हो रहा है उन इंसेंटिव की भी आप एंट्री कर सकते हैं और उसके लेजर को भी आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।